इस देश में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, जमीन और नौकरी, इन सब का सवाल होना चाहिए। लेकिन इस देश को लड़ाने और नफरत की आग में झोंकने वाले लोग देश को एक दिशा में बेच रहे हैं। बच्चा चल रहा है धर्म के नाम पर वोट देने का, नहीं भाई, कलम और किताब के नाम पर वोट देना, संविधान के नाम पर वोट देना, अपने विचारधारा के नाम पर वोट देना, जो आदमी को आदमी से लड़ाए, जो आपके जाति से जाति को लड़ाए। किसने बताई जान, किसने बचाई इस देश में लोगों की? अस्पताल ने बचाई। कौन जाति देख रहा था कोरोना में, कौन धर्म देख रहा था? और आपका नेता सब आके कहता है कि हिंदू धर्म खतरे में, तो ये धर्म खतरे में, वो धर्म खतरे में। राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, लोकसभा अध्यक्ष हिंदू, उपराष्ट्रपति हिंदू, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री हिंदू, सबसे ज्यादा सांसद हिंदू, सबसे ज्यादा विधायक हिंदू, और खतरे में कौन हिंदू? अरे नहीं भाई, न हिंदू खतरे में है, न मंदिर खतरे में है, आपके बच्चों की शिक्षा और रोजगार खतरे में है। ये बात आपसे समझाने में आया। इसलिए अगर अगली बार कोई कार्यक्रम सांस्कृतिक हो, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो पूछना कि मैं अगर पिछड़ी जाति में आया हूं, दलित जाति में आया हूं, तो कितने पासी प्रोफेसर बने, वाइस चांसलर बने, कितने अहिर बने, कितने कुर्मी बने, कितने कोयरी बने, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, निषाद, मल्ला, तमाम जातियों के लोग कितने वाइस चांसलर हैं, कितने डीएम हैं, कितने एसपी हैं, कितने वकील हैं, कितना जमीन आपके पास है, और उद्योगपति कितने हैं, तब पता चलेगा खतरे में कोई और नहीं, हमारा और आपका भविष्य खतरे में है। यही बात मैं आपसे कहने आया। धर्म हमारे दिल में होता है, और उस महात्मा कबीर ने बहुत पहले समझा दिया। नौजवानों, आपको कहने आया हूं, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना खोजी हो तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। बाहर खोजने चले गए हम, और रोज यही लड़ाई ये नेता लगवाते हैं कि ये मंदिर, वो मस्जिद, ये धर्म, वो धर्म। नहीं भाई, धर्म इन नेताओं के पहले भी था और इन नेताओं के बाद भी होगा। ये चुनाव लड़ने आएंगे तो आपसे कहेंगे कि हमने मंदिर बनवा दिया और वहीं बनवा दिया। आप केवल ये पूछिएगा, जिसको मंदिर जाना होगा जाएगा, जिसको मस्जिद जाना होगा जाएगा, हमारे लिए स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल कहाँ बनवाया है, उस पर हमको वोट देना चाहिए। और आजकल कहते हैं कि गारंटी है। गारंटी किस बात की है? आज उन्होंने गारंटी दी थी एक महिला को सातों वचन निभाने की, वो गारंटी तो पूरी नहीं की। अब कहते हैं कि फलाने हैं तो गारंटी है। गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? चुनाव सामने है, मैं इसलिए चुनावी बात करने आया हूं कि अगर 2024 का चुनाव संविधान के बदलने वाले, बात करने वाले जीत गए, तो अगली बार रविदास जयंती मना पाएंगे कि नहीं मना पाएंगे, इसका भी कहना मुश्किल हो जाएगा। ये मेरी बात नोट करके जाइए, भूल जाइएगा कि कबीर को आप बात करेंगे। विचार हमारा बहुत बड़ा है, और संविधान ही बदल जाएगा तो आप कबीर, रैदास, पलटू, दादू, भीखा की बात करने वाला कौन हो? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मिटा नहीं पाएंगे तो बाबा साहब की बड़ी बड़ी मूर्ति हर गांव में बनवा देंगे, और हमारी और आपकी जात बिरादरी के लोग मूर्ति और झंडा देख करके उनको वोट देने चले जाएंगे। लेकिन जो बाबा साहब के सपनों का भारत था कि हर झोपड़ी में मुझे शिक्षा की ज्योति जगानी है, वो शिक्षा बेच दी जाएगी। गरीब, कमजोर, मजलूम, किसान के बच्चे शिक्षा ही नहीं पाएंगे। पेपर इधर लीक हो रहा है, वैकेंसी आई नहीं रही है, तो जिस बच्चे को शिक्षा नहीं मिली, जिसको रोजगार नहीं मिला, वो करेगा तो क्या करेगा? घर में जाएगा तो माँ बाप उसको ताना मारेंगे कि करता क्या है, इसका पढ़ाई में मन नहीं लगा, इसको रोजगार कोई मिला नहीं, तो वो बच्चा नौजवान कहाँ जाएगा? गुस्से से भरा हुआ बेरोजगार नौजवान, उसका हाथ खाली है। अचानक कोई नेता आपके गांव में आएगा और आपका नेता आपसे कहेगा कि तुम अहीर हो तो देखो, तुम पासी हो तो तुम्हारा वो अहीर वाला है ना, तुम्हारा हक कौन लूटा? वो अहीर लूटा। अहिरों को समझाएगा कुर्मी लोटा, कुर्मी को समझाएगा कोई नहीं लोटा, उनको समझाएगा ये लोटा, और आपस में ही सबको लड़ाएगा। और फिर एक दिन अचानक आएगा, कहेगा ये लो तलवार और चलो अब धर्म की रक्षा करने जाना है। बताइए, जिस बच्चे को शिक्षा नहीं मिली और रोजगार नहीं मिला, वो रक्षा करने चले जाएगा कि नहीं? तो किताब कौन पढ़ेगा? इसलिए मैं आपसे कहने आया हूँ कि धर्म दिल में है भाई,
जो भगवान को मानता है उसको मानने दीजिए, जो नहीं मानता है उसको मत मानने दीजिए। असली सवाल पहचानिए, इस देश का आज सबसे बड़ा मुद्दा कोई है तो संविधान को बचाने का मुद्दा है। दो तरफ की लड़ाई एकदम आमने सामने खड़ी है, एक तरफ संविधान को बदलने वाले लोग खड़े हैं और एक तरफ संविधान को बचाने वाले लोगों को एकजुट होकर के खड़ा हो जाना चाहिए। इतना ही पैगाम है, संविधान नहीं बचेगा तो कैसे जात पात खत्म होगी? जस केलन के पात के पात, पात में पात, तस के तस, मानुष के जात के जात, जात में जात, रविदास मानुष न जुड़े जब तक जात न जात। उस संत रविदास की बात यहाँ करने हम आए हैं। उन्होंने क्या लिखा, मन ही पूजा मन ही धूप और मन ही से हूं सहज स्वरूप। मन में ही तो आपका भगवान हुआ करता था या जिसको भी आप मानते, और बाहर कौन ला रहा है भाई, नेता ला रहे हैं, इसको समझाइए। रविदास जन्म के कारने होत न को नीच, कोई पैदा होने से नीच और छोटा नहीं हो जाता। नर को नीच कर डाली है ओछे कर्म की कीज। हम काम जैसा करते हैं ना उससे तय होता है कि कौन क्या है। कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढ है बनमाए, और ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाय। इसलिए मैं आपको बताने आया हूं कि आपका भगवान खुदा आपके भीतर है, बाहर नहीं है, और उसको बचाने के लिए तमाम तरह के पाखंड और अंधविश्वास से बचिएगा। और आपसे केवल संविधान बचाने की गुजारिश करके जा रहा हूं। बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम को करने के लिए मेहनत की, बहुत सारे लोगों ने मेहनत की। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी कामयाबी होनी चाहिए थी, और अगली बार जब कार्यक्रम करिए तो इसको याद रखिएगा, जितना पैसा बचे, और वैसे तो आप लोग मदद नहीं करते होंगे मैं जानता हूं, आप लोग को भरोसा कम होता, लेकिन मदद करिए। अपने आस पास कोई अगर ईमानदारी से लड़ाई लड़े तो उसके साथ खड़े होइए। थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। एक शेर आपके लिए कह के जा रहा हूं कि जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए। आज एकजुट होने का समय है। अगर आप हम जैसे लोगों को, प्रोफेसर साहब जैसे लोगों को अगर सम्मान देना चाहते हैं साथियों, तो अभी 5-10 मिनट में कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। आपने इतना सम्मान दिया, हम भी गदगद होकर के घर लौट जाएंगे, आप भी घर लौट जाएंगे, आयोजक भी कहेंगे कि बड़ा कार्यक्रम करा लिया, सुबह तक सब भूल जाएंगे कि कार्यक्रम में हुआ क्या था, क्या हुआ भाई, अच्छा फलाने आए थे, क्या बोले। एक बार मैं किस्सा सुना दूं, एक दो बात कहकर मैं बात खत्म करूंगा क्योंकि आप लोग बहुत देर से आए हैं। ना ना बोलिए बोलिए, मैं मेरा किस्सा समझिए इस बात को कि एक बार क्या हुआ कि आज तो बहुत तरह की बात है। एक बार एक गाँव में जो है जंगल जंगल में राजा बना शेर, और इस किस्से का मतलब अगर समझ जाएंगे तो समझदार को इशारा काफी। शेर राजा था और जंगल में कुछ दिन रहते रहते अपन माटी अपन भाषा में बोले चाहिए कि ना, तो गदहवा बाघ से कहले आई बात के गांव गांव समझैया लोगन, आपस में मार झगड़ा न करिया, केहू धर्म के नाम पे लड़ावे आई तो तोरे हाथ से कलम छीने वाला तलवार पकड़ावल चाहत हुआ। बतावा कलम पकड़वा कि तलवार, जोर से बोला कलम पकड़ेंगे ना, तलवार पकड़ने वाले को पहचान रहे ना, तलवार मत पकड़िएगा कलम पकड़िएगा। यही मारी किस्सा सुनावत है, असली खेला समझा। तो गदहवा बाघ से कहले कि ई घास काला है, तो बाघ कलर रे पागल घास हरियर हो, समझे था ना। तो फिर गदावा कर कि ये क्या बात हुई, घास तो काली है। तो बाघ कहा, नहीं रे मूर्ख तुम गधे हो, ये घास हरी है। दोनों में झगड़ा हो गए, पटकी पटका हुआ लगल, अचानक ही भल फैसला कैसे हुई। तो कहा, राजा हो शेर, चला दोनों जने राजा से पूछल जाई, जवन बात राजा बोली वह बात सही मानल जाए। बाघ और गधा दोनों राजा के सामने खड़ा भैया। बहुत मजेदार बात यह कि समझिया और समझदार के इशारा काफी, फिर से कहते हैं। गदहवा के बाघ कहले कि राजा साहब, हाई गदहवा पगलाए गए, मौसम है आम का बौराए गए, एक कहा था घसिया काली है। तो करे बाद बाघ कहले कि देखा आपके खुद कहते कि घास हरी है। तो करे बाद गदहवा कहले, ना साहब आप राजा होल जाए, आपके सामने अन्याय ना हो चाहिए, बतावल जाए कि घास काला है कि हरी है। तो राजा चुपचाप दोनों के देखत है, फिर कहे न्याय करा साहब। तो राजा साहब कह लें कि चला हम न्याय करत ही, बाघ के 1 साल का सजा देवल जाई कि जंगल से बाहर चल जो, तही गलत कहिए।
गढ़ावा नाचत कुदत गयल, डीजे लगा के नाचत गयल, आज मैं जीत गई नो घास काली है घास काली है, और नाचत गयल गढ़ावा। बघवा जाके शेर के सामने कहले कि अरे जिल्ली इलाही, ये कवन फैसला न्याय कैला, तो के ना लौकत घसिया नीली है कि काली है कि हरी है। तो शेर क्या बोला इसको समझिएगा, शेरवा कहले कि तोर बात सही है कि घसिया हरियर है, एकरे बदे तो के सजा ना मिल लिया कि तू गलत कहत रहले, सजा तो के एकरे बदे मिल लिया कि अब तोरे जिम्मे एक काम बचल है कि गढ़ावा से बहस करबे। ये बात के समझा लो, आपको यह बात समझनी होगी कि अब आपके जिम्मे काम बचा है कि फला खतरे में ओके बचावा जाए के है, कुछ दिन बाद कहीं फला खतरे में ओके बचावा जाए के है, तो अरे बच्चा के स्कूल खतरा में है क्यों बचावा आयल। धर्म के नाम पर जितना संगठन बचल हुआ बनल हुआ, तो अरे स्कूले का प्राइमरी स्कूल खराब होता है वहाँ मास्टर ना हुआ कोनो आंदोलन करे के हुआ, पहचाना ना भैया कौन चीज़ की जरूरत है, स्कूले का जरूरत है कि ना। बुखार आ जाए और अस्पताल में पैरासीटामॉल ना दवाई मिले तो का होई, दवाई के मिलत है जेकरे जेब में पैसा है, बताओ सही कथी गलत, जेकरे जेब में पैसा ओकर हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाए, ओकर किडनी लीवर कुल ठीक हो जाए, और गरीब आदमी खांसत खांसत मर जाए क्यों पूछे वाला है। और वोट कौन चीजी पे देला तू, वोट कौन चीजी पे देला, धर्म के नाम पे। भैया आपसे कहने केवल एक बात आया, दो महीने बचा है, रविदास जी पर फिर बात हम कर लेंगे जब बचेंगे, जब कबीर के लिए भारत का देश संविधान के बचा लेगा तो कबीर पर बात भी कर लेंगे, बाबा साहब अंबेडकर पर बात तब करेंगे जब उनका बनाया हुआ संविधान बचेगा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करने आया हूँ, एकजुट होने का समय है, जाति छोड़िए और जमात में बदल जाइए, और जितने लोग जाति के नाम पर वोट देते हैं आपकी जाति वाले को टिकट तो आपका विरोधी भी दे देगा, देगा कि नहीं देगा। फला जाति यहाँ पर जाता है तो उनके टिकट देता, उनके वोट दे दिया, उनके जाति का आधा वोट भी मिल गल, बाकी धर्म के नाम पे मिल गल, बाकी फलाने के नाम पे मिल गल, उनका रैली हो गई, वोट तो आर चल गल, और तो आर वोट लेकर के वो वहाँ बैठ के का राज करत हुआ। 12,00,000 करोड़ रुपया देश का उद्योगपति को माफ कर दिया, किसान का कर्जा माफ हुआ क्या? 2022 तक भाइयों और बहनों 2022 तक आपका कर्जा माफ हो जाएगा, किसानों बताओ कर्जा माफ हुआ क्या? आप बताइए ना भाई, वोट किस पर देना है? और वोट इस पर देना है कि संविधान बचाने की बात कौन कर रहा है। संत रविदास जैसा भारत बनाना चाहते थे उसमें समाजवाद और अंबेडकरवाद था, संत रविदास जैसा भारत बनाना चाहते थे उसमें मोहब्बत और प्यार था, और आज शिक्षा बेरोजगारी पर कोई बात ही नहीं है। और इसलिए मैं आपसे कहने आया हूँ, आपके लिए एक बात लिख कर आया हूँ कि जहाँ देखो धर्म के बीमार बैठे हैं, हजारों लुट गए लाखों यहाँ तैयार बैठे हैं, करके जवानी बर्बाद वो पर्चा बनाने वाले बाबाओं के पीछे, अब कहते हैं साहब दुआ करो बेरोजगार बैठे हैं। अब झंडा लेके तो गईला कहीं और रोजगार मिलल? भाइयों और बहनों 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे, कौन बोला था? नाम नहीं लेना, वैचारिक मंच है, समझदार को 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष, 15,00,000 हर अकाउंट में, स्मार्ट सिटी 100, स्मार्ट गांव 100, बुलेट ट्रेन चलते इतना देरी से हम नहीं आती, लखनऊ से एक बुलेट ट्रेन में बैठती और प्रतापपुर के स्टेशन पे उतर जाती, ओकरे बाद बढ़िया से कार्यक्रम हो और ओकरे बाद हम वापस लौट जाती, कहे कि हमारे अकाउंट में 15,00,000 रुपया हर महीना में आवत। भैया कोनो काम भल का आपका माल लुटा गल तो उनके पतन चलल, अब अहिम भी अपनी जाति ये जाति है वो जाति में लड़ल करवा, हाई अम्बेडकर का माने वाला है ऐसे लड़ा, हाई फूले का माने वाला ऐसे लड़ा, हाई सपा का है ऐसे लड़ा, हाई बसपा का ऐसे लड़ा। भैया ये समय पहचाने का वक्त है, 10 में 5 बात अगर खराब है तो भूल जाइए, नहीं मेल कर रहा है तो छोड़ दीजिए, लेकिन 10 में 5 जगह हम और आपका सपना एक है, दर्द एक है, तो क्या एकजुट होने का समय है कि नहीं? बहुत वरिष्ठ लोग बहुत दूर दूर से हैं, बताइए इस बात को कहने की जरूरत है कि नहीं? अगर हम लोग बचेंगे तो बराबरी की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए मैं आपसे बहुत वक्त हो गया भैया, जब चाहूंगा केवल यही कहने आया हूँ, असली मुद्दा पहचानिए, और उस मुद्दा को अगर आप नहीं पहचान पाएंगे तो आप ये मान कर चलिए 25 साल बाद 50 साल बाद हमारे और आपके घरों के बच्चे
हमसे पूछेंगे साहब कि जब भारत में देश में संविधान खतरे में था तो तुम क्या कर रहे थे। और देखा एक जने आयल हूँ अकेल, अब इन दिन ढलल ना टाइट, अब ये दिक्कत के करिए जे गड़बड़ के लोकर दिक्कत ही का ना, उनके हाथ में रोजगार रहे तब ये चल करते का। अगर वो कहीं प्रोफेसर होते, डॉक्टर होते, इंजीनियर होते तो ये नौबत आती क्या। इस समय आदमी अपने बाल बच्चे को पाल रहा होता, अपने खेत का काम कर रहा होता। समाज बर्बाद हो रहा है क्योंकि शिक्षा खत्म हो गई, रोजगार मिला नहीं, तो अपराध बढ़ रहा है, नशा बढ़ रहा है और हमारा परिवार का परिवार बर्बाद हो रहा है। कोई गांव ऐसा बता दीजिए जिसमें कोई परिवार ऐसा ना हो जो जमीन बेच के दारू न पी रहा हो।